आई विश यू ऑल हैप्पी मकर संक्रांति, खाते पीते रहो, मस्त रहो, पढ़ते रहो। तो चलिए आज हम लोग डिटरमाइनर्स क्वालिफायर्स के कुछ फैक्ट्स को देखें। टुडे आई एम गोइंग टू गिव यू माय क्लास ऑन क्वालिफायर्स। सो एज यू नो क्वालिफायर्स कैन बी यूज्ड फॉर बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउंस। सो लेट अस सी द लिस्ट ऑफ दोज काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउंस। सी डिटरमाइनर्स जो काउंटेबल नाउंस के साथ लगते हैं वो है मेनी, मोर, सम, एनी, ए नंबर ऑफ, फ्यू, ऑल, ए फ्यू, द फ्यू, मोस्ट, ए लॉट ऑफ। तो इस तरह से आपने देखा कि ऐसे डिटरमाइनर्स हैं जिसका प्रयोग हम लोग काउंटेबल नाउंस के पहले करते हैं। अब आइए उन डिटरमाइनर्स को हम देखते हैं जिनका प्रयोग हम लोग अनकाउंटेबल नाउंस के पहले करते हैं। अनकाउंटेबल नाउंस के पहले लगने वाले डिटरमाइनर्स हैं मच, मोर, एनफ, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, मोस्ट, ए लॉट ऑफ, एन अमाउंट ऑफ, इटीसी। तो इस तरह से आपने देखा कि डिटरमाइनर्स काउंटेबल्स एज वेल एज अनकाउंटेबल्स नाउन के पहले लगते हैं। तो चलिए हम आज कुछ उन डिटरमाइनर्स के बारे में जाने जिनका प्रयोग हम लोग काउंटेबल नाउन से पहले करते हैं। क्वांटिफायर्स यूज्ड फॉर काउंटेबल नाउंस। तो सबसे पहला है मेनी। मेनी का हिंदी मीनिंग होता है ज्यादा, और इसका प्रयोग हम लोग ज्यादा के सेंस में करते हैं काउंटेबल नाउंस के पहले। आई हैव मेनी पेंस, कहने का मतलब है मेरे पास बहुत सारी कलमे हैं। देयर आफ्टर मोर, मोर का मतलब होता है से ज्यादा या के ज्यादा। इसका प्रयोग हम लोग टू नाउंस के बीच में तुलना करने के लिए करते हैं। और एग्जाम्पल, यू हैव मोर बुक्स देन आई, आपके पास मुझसे ज्यादा पुस्तकें हैं। तो इस तरह से आपने देखा मैंने यहां पर तुलना करी। देयर आफ्टर सम, सम का मतलब होता है कुछ, और सम का प्रयोग केवल और केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में ही करने की जरूरत है। सी एग्जाम्पल, आई बाउट सम नोटबुक्स यस्टरडे, मैंने कल कुछ नोटबुक्स को खरीदा। अब सम के बाद बात करते हैं एनी की। एनी का मतलब होता है कोई, और इसका प्रयोग हम लोग निगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों प्रकार के वाक्यों में करते हैं। सो लेट अस सी बोथ एग्जांपल्स। फर्स्ट, यू डू नॉट हैव एनी बैट, तो यहां पर सेंटेंस निगेटिव है, आपके पास कोई बैट नहीं है। और फिर दूसरा एग्जाम्पल, इज देयर एनी चेयर हियर, क्या यहां पर कोई कुर्सी है। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य है, और हमने यहां पर भी एनी का प्रयोग किया। देन देयर आफ्टर ए नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ का मतलब होता है एक संख्या में, काउंटेबल नाउंस के पहले लगता है ये। सी द एग्जाम्पल, आई हैव अ नंबर ऑफ स्टिकर्स, मेरे पास एक संख्या में, एक निश्चित संख्या में या संख्या में स्टिकर्स हैं। देयर आफ्टर ऑल, ऑल का मतलब होता है सभी, सारे लोग, सभी। तो एग्जाम्पल, ऑल स्टूडेंट्स आर वेरी गुड, सारे विद्यार्थी बहुत अच्छे हैं। तो चलिए हम लोग फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू के इस्तेमाल को समझें। सबसे पहले फ्यू, फ्यू का मतलब होता है नहीं के बराबर। एंड माइंडेड, फ्यू इज यूज्ड बिफोर काउंटेबल नाउंस। सो सी सम एग्जांपल, आई कैन नॉट ईट एनीथिंग बिकॉज आई हैव ओनली फ्यू कॉइंस, अरे भैया मेरे पास तो नहीं के बराबर सिक्के हैं, इसीलिए मैं कुछ नहीं खा सकता हूं। तो फ्यू का मतलब होता है नहीं के बराबर, और इसका प्रयोग हम लोग निगेटिव सेंटेंस में, निगेटिव सेंस में करते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज
ए फ्यू का मतलब होता है कुछ परंतु अपर्याप्त। यहां पर ए फ्यू का प्रयोग हम लोग अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों सेंस में कर सकते हैं। सो लेट अस सी द अफर्मेटिव यूज ऑफ ए फ्यू। ए फ्यू का हिंदी होता है कुछ परंतु अपर्याप्त। अफर्मेटिव सेंस में आई एट अ फ्यू लोफ्स ऑफ ब्रेड। अरे भैया बहुत भूख लगी थी तो थोड़े बहुत ही रोटी के टुकड़े थे, मैंने उसे खा लिए। नाउ अब इसका निगेटिव इस्तेमाल, आई एम नॉट सेटिस्फाइड टू अ फ्यू क्वाइंस दैट यू गेव मी। मैं उस कुछ सिक्कों से मैं उन कुछ सिक्कों से संतुष्ट नहीं हूं जो आपने मुझे दिए। आपने मुझे कम ही सिक्के दिए और पर्याप्त सिक्के दिए, इसीलिए मैं उनसे संतुष्ट नहीं हूं। नाउ अब बात कर लेते हैं द फ्यू की। द फ्यू का मतलब होता है कुछ परंतु पर्याप्त, और ये द फ्यू अपने आप में संपूर्ण है। इसका हम लोग अफर्मेटिव यूज करते हैं और वी यूज द फ्यू इन अफर्मेटिव सेंस, पॉजिटिव सेंस। सो लेट अस सी, द फ्यू का मतलब होता है कुछ परंतु पर्याप्त। एग्जाम्पल, आई सॉ अ बेगर एंड गेव हिम द फ्यू क्वाइंस दैट आई हैड। मैं एक भिखारी से मिला या मैंने एक भिखारी को देखा और मैंने उसे मेरे पास थोड़े बहुत जो कुछ भी कम ही सिक्के थे मैंने उसे दे दिए। तो इस तरह से आपने फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू को जाना। इन माई नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट दोज डिटरमाइनर्स विच आर प्लेस्ड बिफोर अनकाउंटेबल नाउंस। अगले वीडियो में मैं उन क्वांटिफायर्स की बात करूंगा जो अनकाउंटेबल नाउंस के पहले लगते हैं। तो इस तरह से आपने उन क्वांटिफायर्स को अभी जाना जिसे हम काउंटेबल नाउंस के पहले लगाते हैं। सो कीप लर्निंग, पढ़ते रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन थैंक यू।